हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है एक्ट थ्री सीन टू। मैंने एक्ट थ्री सीन वन ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर आपने एक्ट वन टू और एक्ट थ्री का सीन वन नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि बिना उसके आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक्ट वन, एक्ट टू और पुराने सारे वीडियोज़ देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। अब इसमें क्या है सीन में, यहाँ पे एक डिस्कशन हो रहा है कैलिबान के, स्टेफेनो और ट्रैंकलो के बीच में। ये डिस्कशन कर रहे हैं, अब यहाँ पे प्लानिंग करेंगे प्रोस्पेरो को मारने की। कैलिबान बोलता है स्टेफेनो और ट्रैंकलो को कि चलो तुम प्रोस्पेरो को मार दो तो तुम्हें इस आइलैंड पे पूरा राज मिल जाएगा, तुम्हें उसकी लड़की भी मिल जाएगी और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम बहुत इंजॉय करेंगे, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आपस में डिस्कशन है। ये एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, एक साजिश रचते हैं, किसको मारने की, प्रोस्पेरो को मारने की। चलिए अब आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टेफेनो, टेल मी नॉट व्हेन द बट इज ओवर, वी विल ड्रिंक वाटर, नॉट अ ड्रॉप बिफोर, देयरफॉर बीयर अप एंड बोर्ड, सर सरेंडर ड्रिंक विद, सर मॉन्स्टर ड्रिंक टू मी। अब क्या है, ये कह रहा है स्टेफेनो, कह रहा है कि जब तक मुझे मत रोकना, जब तक कि मेरी पूरी वाइन खत्म ना हो जाए, तब तक मैं पीता रहूंगा, जब तक कि ये मेरी वाइन खत्म नहीं हो जाएगी। मैं पानी तब तक नहीं पीऊंगा जब तक मेरी वाइन नहीं खत्म हो जाएगी, मैं वाइन ही पीऊंगा। और ये अपने सर्वेंट को बोलता है, कैलिबान को, कि भैया सर्वेंट लाओ मुझे वाइन दो और तुम भी वाइन पियो मेरे साथ। तो हमें बार बार दिख रहा है कि जो स्टेफेनो है वो बहुत बड़ा एक ड्रिंकर है, बहुत बड़ा वाइन लवर है। ट्रैंकलो कहता है, सर्वेंट मॉन्स्टर द फॉली ऑफ दिस आइलैंड, दे से दे आर बट फाइव अपॉन दिस आइलैंड, वी आर थ्री ऑफ देम, इफ द अदर टू देयर ब्रिंग द ट्रेड सॉर्ट ऑफ। वो कहता है इसको, कैलिबान को, सर्वेंट मॉन्स्टर यहाँ पे कैलिबान है, कैलिबान से और स्टेफेनो से बोलता है ट्रैंकलो कि यार ये आइलैंड कैसा, अगर इस आइलैंड पे कहते हैं कि पांच लोग हैं, बट अभी हम तीन हैं, फिलहाल तो हम तीन हैं, मैं, स्टेफेनो और कैलिबान। तो वो कह रहा है कि पांच लोग हैं इस आइलैंड पे, अगर जो बाकी बचे हुए दो हैं उनका भी दिमाग हमारे जैसा ही है तो इस आइलैंड का बेड़ा गर्क है। अब ये जो दो लोग कौन हैं जिनके बारे में ट्रैंकलो बात कर रहा है, क्योंकि ट्रैंकलो ने बोला है पांच लोग हैं इस आइलैंड पे, तीन तो यही हो गए, अब बाकी दो लोग कौन हैं ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है यहाँ पे इसमें जो सीन है। बट हो सकता है कि ट्रैंकलो का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि पहले भी इसने बोला हुआ है कैलिबान के ने कि प्रोस्पेरो भी था और उसकी लड़की भी है, तो इस तरह से उसने बात की है, तो हो सकता है वो जो बाकी दो हैं वो प्रोस्पेरो और मिरांडा के बारे में रेफर कर रहा है। स्टेफेनो, ड्रिंक सर्व मॉन्स्टर वेयर बिट द आइज आर ऑलमोस्ट सेट इन माई हेड। वो कहता है स्टेफेनो कि भाई सुन, तू पी, किसको बोलता है ये, कैलिबान को, तू पी, ठीक है, तुम्हारी क्या कहते हैं, तुम्हें पीना है, वाइन पियो तुम, बाकी सब छोड़ो। ट्रैंकलो, वेयर दिस द शेड शुड बी, ही हैव और अ ब्रेव मॉन्स्टर इनडीड इफ दे ऑल सेट इन दिस टेल। तो कहता है यहाँ पे स्टेफेनो की जो आंखें हैं, एक्चुअली पीछे इसने बोला है कि जो आंखें हैं तुम्हारी वो सिर में है, इस तरह से बोलता है। तो ट्रैंकलो कह रहा है कि इसकी आंखें और कहाँ होंगी, कैलिबान को बोला था स्टेफेनो ने तुम्हारी आंखें तुम्हारे सिर में धसी हुई हैं, क्योंकि मॉन्स्टर है ना वो, तो उसकी आंखें हमारी जैसी नहीं है, तो उसका फेस थोड़ा ऐसा ही, उसकी आंखें थी वो सिर की तरफ थी। तो ट्रैंकलो बोलता है फिर ये सुनने के बाद, तो इसकी आंखें और कहाँ होंगी, ये तो मॉन्स्टर है भाई, मॉन्स्टर की आंखें तो ऐसी होंगी ना, ये कोई नॉर्मल इंसान थोड़ा है। और वो कह रहा है ये कोई ब्रेव भी नहीं है, अगर ये ब्रेव होता ना तो पीछे की तरफ इसकी टेल का अपीयरेंस ऐसे होता, आंखें भी टेल की तरफ होती, ऐसे होता वैसे होता। तो एक तरीके से ट्रैंकलो कमेंट मार रहा है कि कैलिबान ब्रेव नहीं है। स्टेफेनो कह रहा है माय मैन मॉन्स्टर हैड ड्राउन हिज टंग इन सैक फॉर माय पार्ट द कैन सी कैन नॉट ड्राउन मी एज़ आई एम हियर एंड कुड रिकवर द शिप 13 50 लीग्स ऑफ आवर बाय साइलेंट द शिप माय लेफ्ट हैंड वाज। वो कह रहा है अभी अपनी तारीफ कर रहा है स्टेफेनो की, भाई मैं कितना बड़ा वो हूँ, मैं समुद्र तैर के आ गया, शिप टूट गई थी लेकिन मैं तैरता रहा, समुद्र मुझे डुबा नहीं पाया, मैं इतने माइल तैर के आया हूँ, ये है वो है। और वो कह रहा है कि ये जो अब कैलिबान है ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा लेफ्टिनेंट बनेगा। लेफ्टिनेंट मतलब होता है जब एक तरीके से जब कमांडर बनेगा उसका, ठीक है, लेफ्टिनेंट एक आर्मी कमांडर होता है। तो वो बोल रहा है कि ये मेरा अब मेरी जो भी आर्मी होगी उसका कमांडर यही होगा, अगर कल को मैं नहीं हूँ तो मेरी जगह यही लेगा, ठीक है, तो ये मेरा लेफ्टिनेंट होगा एक तरीके से, मेरा ये असिस्टेंट, मेरा ये सबसे चीफ असिस्टेंट रहेगा, मेरा सबसे चीफ मैन रहेगा ये, कैलिबान को बोलता है स्टेफेनो। तो ट्रैंकुलर बोल रहा है योर लेफ्टिनेंट इफ यू लिस्ट, वो कह रहा है कि भैया तुम उसे लेफ्टिनेंट बनाओ, लेफ्टिनेंट तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है,
लेफ्टिनेंट का मतलब होता है कि बहुत बड़ी पोस्ट है, तुम्हारा एकदम चीफ बंदा है ये। वो कह रहा है इस स्टैंडर्ड का तो है नहीं कैलिबन, तुम इसे अपना लेफ्टिनेंट बना रहे हो। स्टेफन कह रहा है अरे भैया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। वो उसको बोलता है अब कैलिबन को कि नहीं नहीं तुम ऐसे, एक्चुअल में ये बोल रहा है ट्रैंकोलो, बोलता है कि ये कैलिबन जो है लेफ्टिनेंट बनने लायक नहीं है, भाग जाएगा। तो वो स्टेफन कहता है नहीं नहीं भागेगा नहीं है, क्यों भाग जाएगा, अच्छा बंदा है कैलिबन। तो बार बार हमें देखने को मिल रहा है जो ट्रैंकलो है ना वो डाउट करता है कैलिबान के कैलिबर पे, और स्टेफनो बोलता है कि नहीं कैलिबान अच्छा है, ये सही काम करेगा। ट्रैंकलो बोल रहा है नो नॉट करता बट यू लाइट लाइक ड्रॉस एंड अच्छे नथिंग नीदर। वो कह रहा है कि भाई नहीं नहीं झूठ बोलेगा, ये करेगा, फालतू की बातें करेगा, ये इस लायक नहीं है। स्टेफनो कहता है मून काफ स्पीच देगा, इफ यू, वो कह रहा है इस मून काफ इसको बोल रहा है, ये बोल रहा है कैलिबान को कि भाई तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, ट्रैंकोलो तुम पे डाउट कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम मेरे चीफ बनोगे, तुम मेरे लेफ्टिनेंट बनोगे, ट्रैंकोलो डाउट कर रहा है तुम पे कि तुम इस लायक हो भी कि नहीं, तो तुम बोलो ना अपनी कुछ डिफेंस में, ऐसी बस गूंगे बन के बैठे हुए हो। तो कैलिबन कहता है हाउ डस दाई ऑनर लेट मी लिख द इशू आई सर्व हिम ही इज नॉट, वो कह रहा है मेरे ऑनर मेरे मालिक स्टेफनो मैं आपके तलवे चाटता हूँ, ठीक है। लेट मी लुक द इशू का मतलब क्या है कि हाँ मतलब एकदम से मैं तुम्हारी फ्लैटरी करता हूँ, तुम्हारे तलवे चाटता हूँ, बट ये जो बंदा है ना मैं इसको सर्विस नहीं करूंगा, ट्रैंकलो को मैं सर्विस आपकी करूंगा क्योंकि ये ब्रेव नहीं है, ये डरपोक आदमी है। ट्रैंकलो कह रहा है झूठ बोल रहे हो तुम, ठीक है। आई एम केस टू जस्ट अ कांस्टेबल बाय दोस जो फिश दो वाज अवे देयर मैन कवर्ड ड्रिंक सो मच फैक्ट्स विल्स नॉट टेल अ मॉन्स्ट्रस लाई बीइंग बेस्ट फॉर हाफ। वो कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो कैलेवन, मैं एक ब्रेव बंदा हूँ, तुमने दारू पी रखी है इसलिए तुम फालतू की बकवास कर रहे हो, तुम्हारी शक्ल फिश जैसी है इसलिए तुम बेकार की बात कर रहे हो, और तुम्हारे जैसा जो मॉन्स्टर है एक अगली मॉन्स्टर है वो सिर्फ झूठ बोलेगा क्योंकि तुम आधे मछली जैसे हो और आधे इंसान जैसे हो, आधे तुम मॉन्स्टर हो आधे मछली जैसे हो। इसका जो अपीरेंस था कैलिबान का वो थोड़ा सा हाफ फिश जैसा था, मछली जैसा था, तो वो बोल रहा है उसको कि तुम आधे तो राक्षस हो और आधे मछली हो, तो तुम इस तरह की जो फालतू बकवास करते हो इसीलिए करते हो। तो कैलिबान ट्रैंकोलो को लाइक नहीं करता, ट्रैंकोलो भी कैलिबान को लाइक नहीं करता है, हमें देखने को मिल रहा है बार बार। कैलिबान लो हाउ मॉक्स मी, वो कह रहा है कैलिबान देखो किस तरह से मेरा मजाक उड़ा रहा है, किस तरह से मुझे इंसल्ट कर रहा है। ट्रैंकोलो दैट द मोस्ट, वो कह रहा है तो और क्या करें तुम्हारी, तुम हो इस तरह के लो लो कैलिबान। अब ये प्रे करता है कैलिबान, रिक्वेस्ट करता है स्टेफनो को कि देखो मास्टर मैं तुम्हारा स्लेव हूँ और ये मेरा मजाक उड़ा रहा है तो प्लीज कुछ करो। स्टेफनो कहता है ट्रैंकोलो कीप अ गुड टंग इन योर हैंड इफ यू प्रूव अवर इंटर द नेक्स्ट ट्री देन यू पुअर मस्ट सेव दिस। वो कह रहा है सुनो, अब स्टेफनो बोलता है कि कैलिबान की साइड लेते हुए ट्रैंकोलो अपना मुंह बंद रखो और तुमने दोबारा कुछ बोला ना तो मैं दूसरे पेड़ से तुम्हें टांग दूंगा, बगल में पेड़ है उससे तुम्हें टांग दूंगा। ये क्या है, ये जो मॉन्स्टर है ये मेरा सर्वेंट है और अब तुम इसको इंसल्ट कर रहे हो, तुमने इसको दोबारा इंसल्ट किया ना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। अब देखते हैं हम स्टेफनो उसकी साइड ले रहा है कैलिबान की। कैलिबान आई थैंक माय लॉर्ड विल बी प्लीज टू हियर, वो कह रहा है अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद स्टेफनो, अब मैं कुछ आपको बात बता रहा था, क्या आप मेरी बात सुनना चाहेंगे। स्टेफनो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ क्या बात है। फिर अब क्या होता है, ये लोग बात करते हैं, इतने में एरियल आ जाता है, एरियल इनविजिबल है किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कैलिबान कहता है एज आई टोल्ड यू बिफोर आई एम सब्जेक्ट टू रैंडम, वो कह रहा है कि आपको जैसे मैंने पहले बताया था ना मेरा मेरे को कौन रूल करता है, मेरे को एक बड़ा ही मर्सीलेस टायरेंट रूल करता है। टायरेंट का मतलब होता है एक मर्सीलेस रूलर, एक मर्सीलेस रूलर, कोई मर्सी नहीं दिखाता। किसको रेफर कर रहा है, प्रॉस्पेरो को, कि मुझे प्रॉस्पेरो रूल करता है, वो एक मर्सीलेस रूलर है और उसने चीटिंग से मेरे से पूरा आइलैंड ले लिया। पहले मैं मालिक था, उस प्रॉस्पेरो ने चीटिंग से मेरे से मेरा आइलैंड हड़प लिया। अब देखेंगे एरियल बोलता है कि तुम झूठे हो, एरियल इनविजिबल है किसी को दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आवाज आती है कि तुम झूठे हो। कैलिबन को लगता है लाई दो जस्टिंग मॉन्ग दो आई वुड माय वैलियंट मास्टर वुड डिस्ट्रॉय मी आई डोंट नो, तो वो आवाज आती है झूठे हो। एक्चुअली अब इसको लगेगा कैलिबन को कि ट्रैंकोलो बोल रहा है कि तुम झूठे हो, तो कैलिबन बोलता है बोल कौन रहा है, एरियल, लेकिन एरियल क्या है इनविजिबल है दिख नहीं रहा। तो कैलिबन को लग रहा है कि ये ट्रैंकोलो बोल रहा है कि तुम झूठे हो। भाई कैलिबन क्या कर रहा है, कैलिबन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है परसुएट करने की, कन्विंस करने की, स्टेफनो को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि प्रॉस्पेरो को मारे। अब एरियल वहां सुन लेता है ये बातें, तो एरियल बीच बीच में बोलेगा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। कैलिबन को लगेगा ये बातें ट्रैंकोलो बोल रहा है लेकिन बोल एरियल रहा था, ठीक है। तो आपस में भिड़ जाएंगे कैलिबन और ट्रैंकोलो, तो वो यही बोल रहा है मैं झूठ नहीं बोला, तुम मंकी हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। और वो कह रहा है तुम इस तरह की बातें कर रहे हो ट्रैंकोलो, मेरा मास्टर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। अब स्टेफनो बोलता है ट्रैंकोलो अगर तुमने दोबारा परेशान किया ना मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। अब ट्रैंकोलो कह रहा है भैया मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है,
मैंने क्या बोला तुम जो मुझे ऐसे बोले जा रहे हो, क्योंकि इन लोगों को लगता है स्टेफन और कैलिबन को कि ट्रैंकोलो बोल रहा है, लेकिन बोल ट्रैंकोलो नहीं रहा था, बोल एरियल रहा था पीछे से कि कैलिबन झूठा है, कैलिबन झूठा है। स्टेफनो ठीक है अब चुप रहो, अब ज्यादा मत बोलो। अब कैलिबन से कहता है स्टेफनो तुम बोलो तुम क्या बोल रहे थे, वो कह रहा है बस सॉकर ही गॉट दिस आइलैंड फ्रॉम मी गॉट इफ ग्रेटनेस रिवेंज ऑन हिम फॉर दैट। वो कह रहा है कि देखो इसने झूठ में प्रॉस्पेरो ने झूठ मूठ से मेरे से आइलैंड हड़प लिया है, ठीक है ये आइलैंड इसका था नहीं, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम रिवेंज लो। स्टेफनो ठीक है मैं ले लूंगा रिवेंज, बिल्कुल लूंगा। कैलिबन द शॉल बी द लॉ, वो कह रहा है अगर आपने रिवेंज ले लिया तो ये आइलैंड आपका है, प्रॉस्पेरो को मार दो आइलैंड तुम्हारा हो जाएगा। हाउ नाउ शैल वी कंपास, वो कह रहा है अब लेकिन ये मैं कैसे करूँ, प्रॉस्पेरो को कैसे मारूं, तुम कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो कि मैं उसके पास तक पहुंच जाऊं या वो यहाँ आ जाए। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, रात को अभी उसका सोने का टाइम होने वाला है, जैसे ही वो सो जाए ना तो तुम जाके ये नेल है कील है बहुत बड़ी वाली उसके सिर में गाड़ देना, कील सिर में गाड़ दो तो मर जाता आदमी, बहुत बड़ी कील थी। एरियल फिर बोलता है झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं होगा तुम ये नहीं कर पाओगे। अब फिर कैलिबन को लगता है कि ट्रैंकोलो बोल रहा है, कैलिबन क्या बोलता है क्या ये फालतू का आदमी बकवास आदमी है ट्रैंकोलो, उल्टी सीधी बातें करता है ये करता है। और फिर ये बोलता है आई डू बिसीज दैट ग्रेट एग्जाम, वो उसको बोलता है स्टेफनो को कि इसका मुंह तोड़ दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसका मुंह तोड़ दो, घूंसे मारो उसको ठीक है, और इसको आप इसको पिटो इसकी पिटाई करो और इसको ऐसा बना दो जैसे एक ड्राई फिश होती है, फिश को मार मार के करते हैं ना ऐसे ड्राई फिश हो जाए, ऐसे इसकी पिटाई करो ट्रायंगलों की, और जब इसको पानी पीना होगा मैं इसको पानी भी नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं सॉल्टी वाटर दे दूंगा, फ्रेश वाटर नहीं दिखाऊंगा, सॉल्टी वाटर आदमी पी नहीं सकता, सॉल्टी वाटर आप पियेंगे ज्यादा तो मर जाएंगे, समुद्र का पानी नहीं पी सकते आप डायरेक्टली, सॉल्टी आप पियोगे तो मर जाओगे। तो कहता है मैं इसको फ्रेश वाटर नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको सॉल्टी वाटर दिखाऊंगा, इसको तड़प तड़पा देंगे हम। तो उसको रिक्वेस्ट करता है प्रॉस्पर, उसको कैलिबन स्टेफनो को इसकी पिटाई करो, फालतू बार बार मुझे बोल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, एक्चुअली मैं बोल एरियल रहा था लेकिन इनको लगता है कि वो ट्रैंकोलो बोल रहा है। स्टेफनो फिर बोलता है ट्रैंकोलो तुम मुंह बंद करो, अब तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुम्हारा दोबारा बोला तो, ठीक है और मैं इतना पिटाई करूंगा तुम्हारी कि तुम्हें पिटाई कर करके जैसे मछली का सारा पानी निकाल देते हैं ना पिटाई कर करके, ऐसे तुम्हें पिटाई करूंगा तुम्हारी और अब तुमने बोला तो। ट्रैंकोलो भैया मैंने क्या किया है क्यों तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो, तो वो कह रहा है कि तुमने बोला नहीं था कि ये झूठ बोल रहा है, अभी तुमने बोला नहीं कि कैलेबन झूठ बोल रहा है। एरियल बोलता है हाँ हाँ तुमने झूठ बोला है कि, अब दोबारा फिर एरियल ने पीछे बोल दिया। अब तो स्टेफनो को आता है गुस्सा क्योंकि अब यहाँ पे स्टेफनो पूछ रहा है कि क्या तुमने झूठ बोला है, नहीं बोला है अभी ट्रैंकोलो को। अब ट्रैंकोलो को तो कुछ बोलता नहीं है, एरियल बोल देता है कि स्टेफनो से कि तुम भी झूठ बोल रहे हो। अब स्टेफनो को गुस्सा आता है, स्टेफनो पिटाई कर देता है ट्रैंकोलो की, ये ले अब तुम दोबारा बोला दोबारा पिटाई कर दूंगा तुम्हारी, स्टेफनो बोलता है। ट्रैंकोलो बेचारा फालतू पिट जाता है, बोल रहा होता है एरियल, वो कह रहा है। अब ट्रैंकोलो डिफेंस से बोलता है कि भैया मैंने तुम्हें झूठ बोला ही नहीं है, क्या तुम पागल वागल हो गया, तुमने दारू पी रखी है इतनी ज्यादा, तुमने तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया क्या बिल्कुल ही, ठीक है और बिल्कुल ही तुम भी इस मॉन्स्टर की तरह हो गए हो पी पी के। उसने कहा ये दारू एक ऐसी चीज है दिमाग खराब कर देती है आदमी का, बिल्कुल पागल हो चुका है ये आदमी। कैलिबन हंसता है पिटते हुए देख के ट्रैंकोलो को, क्योंकि वो ट्रैंकोलो को लाइक नहीं कर रहा है। स्टेफनो कहता है तुम अपनी बात बोलो यार कैलिबन, इसकी तो पिटाई मैंने कर दी। कैलिबन कहता है और मानना थोड़ी देर बाद मैं ही मारूंगा उसको। स्टेफनो कहता है चलो चलो तुम बोलो तुम क्या बोल रहे थे। कैलिबन बोलता है व्हाई एज अ टोलेस्ट कस्टम विद मिस आफ्टरनून, उसने वो कह रहा है कि अब ये ना क्या होगा थोड़ी देर बाद सो जाएगा प्रॉस्पेरो, तब इसको जाके हम मारेंगे ठीक है, लेकिन मारने से पहले एक काम जरूर कर लेना, इसकी सारी किताबें ले लेना इससे, क्योंकि इसकी किताबों में मैजिक है, वो किताबें इसकी जादुई किताबें हैं, अगर वो किताबें इसके पास रहेंगी तो हम इसे मार नहीं पाएंगे, किताबों में से जादू पड़ता है ये, ठीक है। तो बार बार ये बोल रहा है रिमेंबर फर्स्ट टू पजेस हिज बुक्स और विदाउट हिम, ठीक है हम इसे मार नहीं पाएंगे। और वो कह रहा है इसकी जो स्पिरिट्स हैं, प्रॉस्पेरो के पास बहुत सारी आत्माएं थी स्पिरिट्स थी, एक जैसे एरियल थी, एरियल तो बहुत अच्छा था उसका लॉयल था उसकी हेल्प करता है, बट कैलिबन बोलता है जो बाकी स्पिरिट्स है ना वो उसको हेट करती हैं, प्रॉस्पेरो ने जबरदस्ती उनको अपना गुलाम बना रखा है, तो कह रहा है तो वो स्पिरिट भी उसको हेट करती हैं, एक बार तुमने उसको मार दिया तो सारी स्पिरिट्स भी आज़ाद हो जाएंगी और उनको फिर हम अपने कब्जे में कर लेंगे, ठीक है। वो कह रहा है लेकिन उसकी किताबें पहले जला देना, क्योंकि किताबें भैया उसकी बहुत पावरफुल है, उन किताबों में से पढ़ पढ़ के जादू पड़ता है वो, ठीक है। और उसका हम सारा फर्नीचर भी ले लेंगे, उसका घर भी ले लेंगे, ये ले लेंगे। और वो मेन बात बोलता है कि जो उसकी डॉटर है मरांडा वो बड़ी खूबसूरत है, वो कह रहा है मैंने और कोई, पहली बात तो भाई मैंने और कोई वेमेन देखी नहीं है, मैंने अपनी माँ देखी थी साइकोरेक्स और मरांडा देखी है, पर मरांडा और साइकोरेक्स में जमीन जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। वो कह रहा है कि मरांडा बहुत खूबसूरत है, प्रॉस्पेरो भी ये बात बोलता है कि मरांडा बहुत खूबसूरत है। तो कह रहा है कि भैया तुम उसको मार दो तो लड़की भी तुम्हारी हो जाएगी। स्टेफन वो कह रहा है अच्छा क्या वो लड़की उसकी इतनी सुंदर है। वो कह रहा है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई लॉर्ड शी विल बिकम या दैट बेड वॉर एंड, वो कह रहा है कि हाँ तुम उसको मार दो लड़की तुम्हारी हो जाएगी, फिर तुम
उसके साथ रहना, ठीक है, उसके साथ बच्चे करना, और ये आइलैंड पूरा तुम अपने बच्चों से भर देना। स्टेफनो मॉन्स्टर आई विल किल दिस मैन दिस हिज डॉटर एंड विल द किंग इन सेव अग्रेसिव। वो कह रहा है ठीक है मैं उसको मार दूंगा और जो उसकी लड़की है वो मेरी क्वीन बन जाएगी और तुम सबको मैं बड़ा बड़ा इंचार्ज बना दूंगा, वाइस रॉय मतलब होता है वजीर बना दूंगा, या एक बड़ा इंचार्ज बना दूंगा तुमको और कैलिबन, तुम्हें और ट्रैंकलो को। ठीक है आइडिया सही लग रहा है, ट्रैंकलो लग रहा है बहुत बढ़िया आइडिया है, तो बहुत बढ़िया आइडिया है। तो स्टेफनो कहता है अच्छा ट्रैंकलो से अच्छा हाथ दो यार अपना, सॉरी यार मैंने तुम्हें पिटाई कर दी बट थोड़ा सा ना देख के बोला करो, तुम फालतू की बातें करते हो। कैलिबन कहता है आधे घंटे में सो जाएगा प्रॉस्परो, जल्दी चलो उसकी उसको मारेंगे हम, चलते हैं। तो कहता है स्टेफनो चलो चलो चलते हैं। अब एरियल ये सब बातें सुन लेता है, एरियल कहता है ये बातें अब मैं जाके ना अपने मास्टर प्रॉस्परो को बताऊंगा, ये सब उसको मारने का साजिश रच रहे हैं। कैलिबन कहता है मैं बड़ा खुश हूँ, ये हूँ वो हूँ, और मैं आपको ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा, मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी यार स्टेफनो को। स्टेफनो बोलता है बिल्कुल बिल्कुल, और वो कहता है अब आप मुझे गाना भी सुना दो, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो और इतनी अच्छी खुशी की बात है, आप मुझे गाना सुनाओ। तो स्टेफनो कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारी रिक्वेस्ट मैं मानता हूँ कैलिबन, अब मैं गाना सुनाता हूँ। वो कहता है ट्रैंकलो से, ट्रैंकलो आओ गाना सुनाते हैं, गाना सुनाना शुरू कर देता है, ये इस तरह के गाना सुनाता है ये। तो कैलिबन कह रहा है यार ये नहीं है, ये वो ट्यून नहीं है जो गाना है। अब क्या होता है एरियल पीछे से गाना बजाना शुरू कर देता है, और एरियल जो गाना बजाता है ना हम बार बार देखेंगे बड़ा ही जादुई सी मैजिकल वॉइस होती है वो क्योंकि जादू से क्रिएट करता है, तो वो जो गाना बजाता है वो मैजिकल होता है। तो स्टेफनो कहता है यार ये कहाँ से आवाज आ रही है, कैसी आवाज है। ठीक है वो कह रहा है कि ये बड़ी अजीब सी आवाज है, ये एक ऐसी मैजिकल आवाज है जो कोई बजा ही नहीं रहा, हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कौन है, क्योंकि जब कोई आवाज आती है कोई आप म्यूजिक बजाते हो तो मालूम पड़ता है ना कौन म्यूजिक बजा रहा है। तो ट्रैंकलो कह रहा है ये बड़ी जादुई सी आवाज है, पता ही नहीं कौन बजा रहा है, हमें मालूम नहीं आवाज बजा कौन रहा है, म्यूजिक का म्यूजिक को प्ले करने वाला कौन है, लेकिन आवाज बड़ी जादुई है। तो कह रहा ठीक है जो भी है, अब ये आवाज के पीछे पीछे हम चलेंगे और ये हमें डेविल भी दिखाएगा, ये हमें कैलिबन भी हमें रास्ता दिखाएगा कि कहाँ है प्रॉस्पेरो। तो ट्रैंकलो कह रहा अच्छा मुझे माफ करना, ये है वो है सिंस के लिए, अपने उस आवाज को सुन के कहता है जादुई आवाज लगती है। ठीक है स्टेफनो ही दैट डाइज बेज ऑल दैट, वो इस आवाज को सुन के ना थोड़ा सा वो लोगों को एक वो भी होती है समझ में नहीं आते, थोड़े घबरा से भी जाते हैं पता नहीं आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो फिर बोलते हैं कि अगर कुछ गलती हुई हो ये है वो है तो भैया माफ करना, क्योंकि देखो अगर आपको एकदम से कुछ जादुई चीज आप देखने लग जाओ या आप कोई जादुई चीज ऐसे सुनने लग जाओ, कुछ ऐसी आवाजें आपको आने लग जाए जो आपने कभी सुनी ना हो, कोई ऐसी मैजिकल चीजें दिखाई दें जो दुनिया में नहीं दिखाई देती, तो आप डरने लग जाओगे। फिर आप क्या करते हो, भगवान से प्रे करते हो, भगवान मुझे माफ कर देना, ये भगवान अगर मैंने कुछ गलती की हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज प्लीज। तो वो यहाँ पे यही कर रहे हैं। वो फिर कैलिबन देखता है कि यार क्या डर गए हैं यार ये लोग, मेरा मास्टर डर गया। वो कहता है क्या तुम डर गए हो स्टेफनो जो इस तरह की बातें कर रहे हो। स्टेफनो को नहीं नहीं मैं डरा थोड़ा ना हूँ। कैलिबन कहता है डोंट बी अफ्रेड, ये आवाजें तो आती रहेंगी, इन आवाजों से डर गए तुम ऐसी फालतू की बातें मत करो। ठीक है ये आइलैंड ऐसा ही है, यहाँ पे कभी 1000 इंस्ट्रूमेंट की आवाज आएंगी, कभी अलग अलग सी म्यूजिक आना स्टार्ट हो जाएगा। वो कह रहा है मेरे तो कान में हमेशा इस तरह की आवाजें आती रहती हैं, कभी कोई आवाज में डराने की आती है, कभी कुछ आती है, कभी मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे जगा देती है आवाज, कभी मैं सो के उठता हूँ तो वापस मुझे एक आवाज मुझे वापस सुला देती है। तो कह रहा है बहुत ही ये आइलैंड अजीब सा है, यहाँ अलग अलग तरीके की आवाजें आती हैं, पर इन आवाजों से तुम घबराओ मत, थोड़ा इससे तुम एडजस्ट हो जाओ, ये पार्ट ऑफ दिस आइलैंड है, ये आइलैंड भरा ही हुआ है इस तरह की म्यूजिकल वॉइस के साथ। तो कह रहा है तो अब टेंशन मत लो, अब चलो ये काम पूरा करते हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और ये काम पूरा होगा तो मेरी ड्रीम पूरा हो जाएगा मेरा प्रॉस्पेरो को मारने का। स्टेफनो कहता है ठीक है ये बड़ा सही लग रहा है यार, ये तो बड़ी सही जगह है आइलैंड, अलग अलग सी आवाजें आती हैं, कैलिबन भी बता रहा है ऐसा आइलैंड अगर मुझे मिल जाए मैं राजा बन जाऊँ तो मजा आ गया, चलो चलो मुझे दिखाओ कैलिबन कहाँ है वो प्रॉस्पेरो, अब मुझे मारूंगा। कैलिबन कहता चलो चलो अब प्रॉस्पेरो को मारेंगे, डिस्ट्रॉय है, चलो चलो। ये भी कहता है स्टेफनो द साउंड, फिर साउंड जाता है, इस साउंड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं ये सारे के सारे, स्टेफनो ट्रैंकलो कैलिबन वो जो वॉइस होती है एरियल की उसको फॉलो करते हैं। अब स्टेफनो बोलता है चलो तुम आगे चलो, हम तुम्हें फॉलो करेंगे कैलिबन, ठीक है देखते हैं तुम हमें कहाँ ले जाते हो, ये म्यूजिक हमें कहाँ ले जाता है। तो ये भी बोलता है चलो मैं ही फॉलो करता हूँ तुम्हें। इसके साथ ही हमारा ये जो वो है एग्जिट हो जाता है, इसके साथ ही हमारा जो एक्ट थ्री का सीन टू है ये खत्म हो गया है। गाइस जल्दी आऊंगा आपके सामने एक्ट थ्री का सीन थ्री लेके। एक फाइनल रिक्वेस्ट है आप सबसे हमेशा की तरह काइंडली यार, अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज एक शेयर बटन है इस वीडियो के नीचे, उस शेयर बटन को जरूर दबाएं ताकि हर बच्चे को इजी और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।